राहुल आर्य आप सभी का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनके एक विषय का आज परीक्षा परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल 224 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 4 अप्रैल 2022 को जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के विषय के लिए ये परीक्षा हुई थी, जो कि 3 अक्टूबर और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। तो इनके अब जिन कैंडिडेट्स ने प्रोविजनली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है उनके रोल नंबर मेंशन किए हुए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल 224 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए यहां पर क्वालिफाई किया है। अब इनमें से इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। उससे पहले कैंडिडेट्स के लिए एक सूचना है कि आपको 12 अप्रैल 2022 सायं 6 बजे तक कार्यालय में सभी अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों की एक एक छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और यदि आप उसके लिए उसके बाद एलिजिबल प्राप्त होते हैं उनको तो आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो तिथि होगी उसके लिए वेबसाइट पर बाद में बता दिया जाएगा। और जो ही किसी भी विषय का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो हम तुरंत उसके विषय में आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल MD एजुहट को सब्सक्राइब करें, इसके साथ चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको समय समय पर सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के में हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 71.60 और EWS कैटेगरी के लिए भी 71.60 ही यहाँ पर कट ऑफ रही है। SC कैटेगरी के लिए 68.70 है, ST के लिए 59.79 है, OBC कैटेगरी के लिए 71.60 यहाँ पर रही है और MBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो रही है 71.60। उसी प्रकार से यहाँ पर हॉरिजेंटल कैटेगरीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ट के अंतर्गत आते हैं और EWS कैटेगरी है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये जो रोल नंबर है इनका रिजल्ट प्रशासनिक कारणों से रोक लिया गया है, इसके विषय में बाद में कोई नोटिस जारी किया जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से था। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।